हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है संडे मॉर्निंग की ये वीडियो। तो ये संडे नहीं गाइस, नेक्स्ट संडे जो भी होगा, पहले का संडे, पहले का ही ब्लॉग है। तो अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटर की घुगनी, और बचे हुए ब्रेड हैं, बचे हुए कल के रात के आलू के पराठे बने थे उनके आलू हैं, और बचे हुए ही मटर रखे हुए थे। घुगनी बनाऊँगी, इसका सैंडविच बनाऊँगी। तो ये बचे हुए थे फ्रिज में, हफ्ता 10 दिन से ये पड़ा हुआ था, तो सोची आज इसका कुछ करती हूँ। तो बस प्याज मिर्ची और थोड़े से गार्लिक वगैरह डाल के, थोड़े से मसाले, हल्दी काली मिर्च डाल के, बस इसको अच्छे से भून के और थोड़े से पानी ऐड करके इसको हमें सीटी लगा लूँगी, 2 सीटी। बस ये घुगनी जैसा बन के रेडी हो जाता है। इसमें गर्म पानी हम ऐड करेंगे और फटाफट से बनाएंगे। हस्बैंड जी को कहीं जाना भी है, तो जल्दी जल्दी मैं बनाती हूँ। जो भी बचे हुए सारी चीज़ें हैं फ्रिज में, आज मैं सब कुछ निकाल के उसी से आज उसका ब्रेकफास्ट जो है हमारा बहुत ही अच्छा भी ब्रेकफास्ट बन जाता है। और यहाँ पे मैं सैंडविच में आलू लगा रही हूँ, सॉरी। तो बस फटाफट से सैंडविच भी मैं सेक लूँगी, आलू की सैंडविच और घुगनी, और बस चाय नाश्ता हमारा ये हो जाएगा आज का ब्रेकफास्ट। सुबह संडे का लेज़ी संडे, और कुछ दिल भी नहीं कर रहा था बनाने का ज़्यादा, मतलब हैवी रोटी वगैरह ये सब जो होता है, तो सिंपल में बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे फटाक से मैं चाय भी बना लेती हूँ। तो ये था हमारा संडे का ब्रेकफास्ट। तो संडे के दिन कुछ ना कुछ स्पेशल बनता ही है, तो बच्चे क्योंकि घर होते हैं तो इस हिसाब से, बच्चे लोग के हिसाब से ही मैं बनाती हूँ। तो चलिए हमारा नाश्ता हो जाता है, उसके बाद से बनते हैं। संडे ही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पूरी फैमिली हम लोग साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। नाश्ता वगैरह हो जाने के बाद मैं थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे देखिए हमारा लंच जो है तैरिन बना के लगा रही हैं। तो चलिए पहले ये खा लेते हैं, उसके बाद से किचन में चलती हूँ और फिर लंच वगैरह जो भी होगा बनाऊँगी। तो आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेज। तो बस चलिए चलते हैं थोड़ी देर में किचन में। तो गाइस, इस कुकर में दाल, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल, जिसमें मैं डाली हूँ पंचफोड़न और हींग। हमारे मसाले, मसाले में है प्याज, लहसुन और सरसों दाना और लाल मिर्ची और टोमेटो, इसका पेस्ट बनाई हूँ। और ये रहे हमारे सारे चॉप वेजिटेबल, जिसमें है गोभी, बैंगन, सेम, आलू, ये सारे सब्जियाँ। और यहाँ पे बन रही है राइस, और यहाँ पे सारी सब्जी डाल के मसाले में मिक्स कर दी हूँ। टोमेटो भी डाल दी हूँ, टोमेटो वैसे पीसी भी थी और कट करके भी डाल दी। और यहाँ पे सोहा और धनिया जो होता है वो मैं कट करके डालने वाली हूँ। बस सबको अच्छे से भून के थोड़ा सा पानी डाल के 1 सीटी लगा लेंगे, हमारी सब्जी तुरंत झटपट बन के रेडी हो जाएगी। आज शाम के टाइम में हम लोग बैठे थे तो अचानक से भाई आ गया, छोटा वाला मेरा भाई। तो बिस्किट वगैरह, मैगी वगैरह, बच्चे लोग के लिए जो भी खाने पीने की चीज़ें वो लेके आया था, और मेरे लिए स्पेशली कुछ लाया है, वो भी मैं दिखाती हूँ। मम्मी भेजी हैं बना के, यहाँ पे ये भेजा फ्राई है गाइस। तो ये भेजा फ्राई मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है, उनके जैसे तो कोई बनाता भी नहीं है। और मेहंदी घोल के भेजी हैं, मतलब अपने लिए घोले थे लोग, भाभी और मम्मी, तो मेरे लिए भी भेज दिए लोग। और रात का ये डिनर टाइम है, तो रात में डिनर में मैं बनाई थी, बचे हुए गोली मैं रखी थी, कोफ्ता जो बनाई थी, तो कुछ बचे हुए फ्रिज में रखे थे, तो उन्हीं का आज मैं कुछ बनाऊंगी। थोड़े से ही है, ज़्यादा नहीं है, तो बस डिनर में हो जाएगा। इसी हिसाब से मैं बना रही हूँ, यहाँ पे प्याज, लहसुन, अदरक जो भी होता है चॉप करके बारीक बारीक सौटे कर रही हूँ, और फिर गोली, और थोड़ा सा ये बॉयल गोश्त है। तो प्याज ब्राउन हो गया, टोमेटो ऐड करेंगे और बस मसाला हमारा रेडी हो। बेसिक से मसाले जो होते हैं रेगुलर, हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, वो सब डाल के गरम मसाला पाउडर और गोली हम डाल देंगे। थोड़ा सा बॉयल गोश्त भी था वो भी ऐड कर देंगे। बस हमारा ये मसाला कोफ्ता बन के रेडी हो जाएगा, और साथ में इसके साथ बनाऊंगी राइस, मसाला राइस बना रही हूँ। तो बस ये था हमारा डिनर, बहुत टेस्टी था, और थोड़ा ही गोली था देख रहा, तो इसीलिए मैं रात के टाइम में ही बनाई हूँ कि मतलब हम लोग सबका मतलब हो जाएगा। तो ऐसा था कुछ हमारा दिन आज का।
तो बिजी शेड्यूल होता है संडे के दिन, वैसे ही कुछ ना कुछ मतलब बनाना ही होता है बच्चे लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे। तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है गाइस, यहाँ पे मैं सुबह में बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। बच्चे जो है स्कूल जा चुके हैं, यहाँ पे आलू प्याज भी आया हुआ है, प्याज है और ये आलू नया वाला, पहले भी नया वाला है तो जब नया वाला आलू निकल जाता है पहले से प्याज स्टोर है ही, इसमें गार्लिक है ऊपर वाले में और इतना आलू बचा था तो मैं मंगा ली और वहाँ भी गार्लिक है। और बच्चे लोग फरमाइश करके गए हैं उन लोग को भुजिया खाना, बिल्कुल सिंपल वाली कुरकुरी भुजिया जो बनती है ना, तो बस मिर्ची डाल के हमारे यहाँ से ही बनता है। तो वैसे तो मतलब मैं पहले कभी बनाती नहीं थी, पर जब शादी करके आई घर पे यहाँ पे ऐसे ही बनता था, तो बिल्कुल उन लोग को पापड़ टाइप का भुजिया मैं उसको बोलती हूँ। और यहाँ पर जो लौकी जो कद्दू मैं कट करके फ्रिज में रखी थी उसका भी भुजिया बना ली हस्बैंड जी के लिए। और ये रात के सीधे डिनर टाइम में मिलते हैं, लंच वगैरह हम लोग का हो गया था सब कुछ। तो थोड़ी थोड़ी क्लिप जो भी है गाइस सबके साथ शेयर करती रहती हूँ, प्रॉपर वीडियो मैं कोशिश करूँगी आपके साथ। खीर हमारी कोशिश में चावल कोशिश तो कर ही रही है, थोड़ी सी तबीयत है ना आजकल ठीक नहीं रहता। आप लोग पूछते ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, तो ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहा बच्चे लोग का एग्जाम वगैरह चल रहा है और मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। और आप लोग को पता ही है ठंड का मौसम है, दिन भी बहुत छोटा होता है, तो फिर ब्लॉग जो है एडिट कर नहीं पाती हूँ। ऐसे वीडियो बनाती हूँ पर एडिट नहीं कर पाती हूँ, तो इसीलिए लेट हो जाता है। और यहाँ पे मैं रात के डिनर बना रही थी खीर, वो भी गुड़ वाली थी, इसमें मैं मलाई भी ऐड की हूँ, 2 चम्मच मलाई इससे ऐड कर दी हूँ, बड़े वाला स्पून है ये जिससे मैं चला रही हूँ। तो मलाई डालने से आपका खीर जो है ना बहुत क्रीमी सा बनता है। यहाँ पे मैं आ गई गुड़ लेने के लिए, ये मैं घर से ही लेके आई थी गुड़, ये काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है, जब मैं घर से आई थी तब पीका है, सोची आज इसका कुछ मैं करती हूँ तो वही मैं यहाँ से आज इसको खीर में डालूंगी। ये तो भी नहीं छूटा है पर मैं अब ऐसे ही डालने वाली क्योंकि मैं थक गई हूँ, नहीं ये हो रहा पता नहीं मेल्ट होगा भी या नहीं, ट्राई करते हैं। पहले एक ही डालती हूँ उसके बाद डालूंगी, मेल्ट होना तो चाहिए, धीरे धीरे होगा, टाइम तो लगेगा। कोशिश मैं कर रही हूँ कि प्रॉपर ब्लॉग डेली का डेली आप लोग को दे सकूँ, तो कोशिश मेरी जारी रहेगी। और आप लोग वेट करिएगा प्लीज़, बहुत आप लोग वेट करना पड़ता, आप लोग जान ही रहे मेरी जो हालत है पहले जैसी अब नहीं रही है। तो ठंड का मौसम भी, बहुत सारे काम होते हैं, पूरे दिन भर काम ही होते हैं, तो धीरे धीरे ये हमारा गुड़ जो है मेल्ट हो रहा था, बहुत इसको तोड़ने की कोशिश की क्योंकि फ्रिज में था, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था, देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना, तो बहुत टेस्टी बना था वैसे। और प्रॉपर मैं ब्लॉग इसका वीडियो जो है शूट नहीं कर पाई, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट मैं पहले भी डाल चुकी, थोड़े बहुत बाद में डाल दी हूँ, बस ये हमारा खीर बन के रेडी हो गया। तो बहुत दिल कर रहा था ये गुड़ की खीर बनाने का, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, मैं पहले कभी गुड़ की खीर बनाई भी नहीं हूँ, ना ट्राई की हूँ, पहली बार ही बना रही हूँ। तो बस खीर जैसा नॉर्मल बनाते हैं वैसे ही, और फिर गुड़ उसमें डालना होता है वैसे कुछ। तो खीर बन गया है तो चलिए पुलाव बना लेते हैं। तो वेजिटेबल पुलाव मैं बना रही हूँ, वाइट पुलाव। तो जो भी वेजिटेबल हमारे पास अवेलेबल थे, जैसे गोभी है, मटर है, आलू है, सोयाबीन भी मैं इसमें डाल दी हूँ, गाजर हो, शिमला मिर्च हो, वो भी आप सब ऐड कर दें। और बस राइस, सांस फूलने लग रहा है गाइस, ज़्यादा मैं बोल रही हूँ तो सांस फूलने लग रहा है, तो इसी वजह से ब्लॉग और वीडियो जो भी है थोड़ा सा लेट हो रहा है, पर आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी हालत जो है ठीक नहीं है, और टाइम भी अब ज़्यादा नहीं रहा है, बहुत करीब आ गया टाइम तो हमारा। तो वेजिटेबल पुलाव बन के रेडी हो गया, ठंड के मौसम में ये सारी सब्ज़ियाँ मिलती है ना, और बस ये सब पुलाव वगैरह पराठे वगैरह ये सब बनाए तो बहुत टेस्टी लगता है और सबको पसंद भी आता है। तो बस ठंड है तो आप बनाएं, आप भी खाएं अपने घरों में, बहुत टेस्टी बनता है गाइस, आप लोग भी ट्राई करिएगा ज़रूर। बहुत सिंपल से मसाले, इसमें ज़्यादा कोई मसाले डालते नहीं हैं, गार्लिक पेस्ट, प्याज ब्राउन करके और थोड़े बहुत खड़े गरम मसाले और बस काली मिर्च का पाउडर और बस और हरी मिर्च, ये सब डाल के बस राइस वगैरह वेजिटेबल वगैरह डाल के बहुत सिंपल। कभी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा।